हेलो, फाइनली आ चुका है सप्ता सागरा दाची इलो साइड बी स्टारिन रक्षा शेट्टी रुक्मिणी। और अभी साइड बी पर कहानी हम लोग को देखने को मिलेगा कि मन्नु तो साइड ए में जेल में चला गया था 10 ईयर्स के लिए, तो बाद में वो अभी जेल से आया है। साइड बी में हम लोग को वैसे ही स्टोरी कंटिन्यू होगा कि वो अभी जेल से आया है तो बाद में वो प्रिया को ढूंढ रहा है, लेकिन वो किधर है कहाँ है ये सब के लिए आप लोग को फुल मूवी देखना पड़ेगा। मूवी का स्टोरी जैसे रखा है मतलब भाई सब जबरदस्त है। यहाँ पे हम लोग को डार्कनेस इमोशनल फुल मूवी पर देखने को मिलेगा कि एक पेयर करने के लिए मतलब क्या क्या कर सकते हैं लोग, ये सब हम लोग को फुल मूवी पर देखने को मिलेगा। और ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो सब कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आप लोग को वॉइस एडिटिंग पर आप लोग को कुछ अच्छा लगेगा कि बातें कुछ और हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को सामने कुछ और आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए जो कनेक्ट करने में डबिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था शायद मुझे लग रहा है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो फुल मूवी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और सबकी एक्टिंग, और यहाँ पर रक्षा शेट्टी भाई ने मतलब ज़बरदस्त एक्टिंग किया है, उनकी एक्टिंग तो लाजवाब था। यहाँ पे जितने भी सब ने एक्टिंग किया है, लेकिन यहाँ पे जो इमोशनल है भाई सब, कैसे एक फिल्म पर इमोशनल डाला जाता है। इस मूवी की फर्स्ट सीजन जो साइड आया था इसको जाकर पहले देखो, मतलब ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जो आया था उसको नहीं देखा तो इसको समझ में नहीं आएगा, इसको भी समझ में आएगा, लेकिन वे स्टोरी उसी से इंस्पायर होकर नेक्स्ट स्टोरी रेडी किया है। लेकिन नेक्स्ट स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट स्टोरी में तो इमोशनल भरपूर था कि वो कैसे जेल चला गया, किसे हुआ, कैसा। आप लोग जाके देख सकते हो कि क्यों हुआ था ऐसा, कि वो जेल जाना पड़ा, उन लोगों के बीच में क्या लड़ाई झगड़ा क्या कुछ हुआ था, तो बाद में वो किधर गया आप लोग को साइड बी पर देखने को मिलेगा कि प्रिया का शादी हो गया या क्या हुआ, ये सब के लिए आप लोग फुल मूवी जाके देखो। और मूवी आप लोग को 2 घंटे 25 मिनट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखा गया कि एक लड़का जब एक लड़की से प्यार करता है, मतलब जी जान से प्यार करता है, तो बाद में उसके लिए क्या क्या कर सकता है, कितनी हद तक गुजर सकता है, ये सब हम लोग को मूवी पर देखने को मिला है। और मूवी ऐसा नहीं है कि आप लोग को बोरिंग लगा, क्योंकि रोमांटिक मूवी में स्टोरी ऐसा नहीं है कि फास्ट फास्ट जाता है, थोड़ा स्लोली जाता है, लेकिन आप लोग को अच्छा लगेगा कि बाद में क्या हो सकता है, क्या उसके साथ उसका जो देखा होता है या नहीं, ये सब के लिए आप लोग मूवी जाके देख सकते हो। मतलब मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा। और कांडा इंडस्ट्री से जो उसका फर्स्ट मूवी भी आया था साइड ए मूवी, तो वो मूवी भी मैं देखा था, उसका भी जैसे हमारे सामने रखा है मतलब ज़बरदस्त है, मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि ये राइटिंग हो या डायरेक्शन हो या सबकी एक्टिंग हो, सब ने बहुत अच्छी तरह से किया है कि उसका। यहाँ पे हम लोग को मूवी पर कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक फ्रेंड के लिए क्या क्या कर सकता है, तो बाद में वो जेल में किस लिए गया, क्या उसके बाद में उसके साथ लड़ाई होता है या क्या होता है, फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों लड़ाई होता है, ये सब के लिए आप लोग मूवी जाकर देख सकते हो। मूवी तो ज़बरदस्त है और मूवी को आप लोग को कुछ एक एक चैप्टर में लगेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो पैसे इनकम करने के बाद क्या क्या कर सकता है, जो मतलब उससे प्यार करता है, बाद में उसके देखा होता है या नहीं, तो जाके मूवी जाके देख सकते हो। मूवी मुझे ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक रोमांटिक ड्रामा फुल मूवी है, यहाँ पे आप लोग डार्कनेस की इमोशनल भरपूर आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट में जैसे एंडिंग किया है मतलब भाई साहब इमोशनल कर दिया फुल मूवी ने। जैसे एंडिंग लास्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे लास्ट में इमोशनल देखने को मिला, ज़बरदस्त है। मतलब एक लड़का के लिए वो कितना मेहनत का काम है, कितना कष्ट करता है एक लड़की के लिए, ये सब आप लोग को मूवी पर देखने को मिलेगा। तो मूवी जाके देखो, अमेज़न प्राइम पर आ चुका है। तो मिलते नहीं किसी वीडियो पर, तो आज के लिए बाय। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो मिलते नहीं किसी वीडियो पर, तो आज के लिए बाय और सबको राधे राधे।